दोस्तों आज हम कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो कारगिल युद्ध दुनिया का सबसे पहला ऐसा युद्ध है जो दो परमाणु संपन्न देश इसमें आपने सामने लड़े थे, यानी दो परमाणु संपन्न देश सामने सामने लड़े थे। जब उस क्योंकि 1998 में भारत भी परमाणु संपन्न हो चुका था, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न हो चुका था। उसके बाद 1999 में भारत में कारगिल युद्ध होता है। 1999 के हम कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, यानी 1999 कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि कारगिल युद्ध जो है, कारगिल जो है जगह है, वो कारगिल जो जगह है ये है जो है पीओके है, पीओके। और ये जो वाला जो लद्दाख का एक हिस्सा है जिसका नाम है, यहाँ पर कारगिल है। और कारगिल जो है एक लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कारगिल जो है एक लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है। और कारगिल और लेह मिलकर बनता है, यानी कारगिल, कारगिल और लेह, लेह मिलकर बनता है तो लद्दाख बनता है। यानी कारगिल डिस्ट्रिक्ट और लेह डिस्ट्रिक्ट मिलकर बनता है तो लद्दाख बनता है। लद्दाख जो है इसी यहीं पर ही जो है पाकिस्तानी सैनिक जो है तो कारगिल में घुसे थे, इसलिए इसे कारगिल युद्ध भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध जो शुरुआत होती है वो मई से शुरुआत होता है, यानी मई 1999 से, यानी मई 1999 से लेकर जो है जुलाई 1999 तक चला था, यानी जुलाई 1999 तक चला था। लगभग 4 महीना यह युद्ध चला था, लगभग 4 महीने तक यह युद्ध जो चला था। उसके बाद से जो है तो भारत ने, यानी भारत की आर्मी ने चलाया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया था। यानी भारत की आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था, जबकि भारत की एयरफोर्स यानी वायुसेना ने जो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था, यानी ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। और उसके बाद से जो 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री थे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में जाते हैं, यानी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान दौरे पर जाते हैं, यानी पाकिस्तान में जाते हैं, लाहौर में जाते हैं, 1999 में जाते हैं, बॉस से जाते हैं, इसलिए इसे बॉस डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, यानी बॉस डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इसे बस डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस बस डिक्लेरेशन का मुख्य कारण था, यानी बस डिक्लेरेशन होने का मुख्य कारण था क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है परमाणु संपन्न हो चुके थे। 1998 में पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न हो जाता है और भारत भी परमाणु संपन्न हो जाता है, इसलिए यह जो डिक्लेरेशन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शांति समझौते को लेकर यह डिक्लेरेशन होता है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के शत्रुघ्न सिन्हा को भी लेकर गए थे। और 1999 में बस डिक्लेरेशन होता है। इस बस डिक्लेरेशन का मुख्य कारण था कि शांति स्थापित करना। लेकिन इसी यही ये वही समय था, उसी समय जो है पाकिस्तान की सेना मई में ही भारत में कारगिल में घुस चुकी थी, यानी भारत के जो है कारगिल में घुस चुकी थी। और कारगिल में घुसने के बाद से जितने बड़े बड़े जो हिल्स थे, जैसे टाइगर हिल, टेंगन हिल, बड़े बड़े हिल्स थे, उस पर कब्जा कर चुकी थी। यह भारत को जो पता चलता है, जब भारत को पता चलता है इसके बारे में, तो चरवाहों के द्वारा, यानी वहाँ पर जो कबायली थे उनके द्वारा पता चलता है, यानी चरवाहों के द्वारा भारत को पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना भारत में घुस चुकी है। जब भारत को इसके बारे में पता चलता है, तब तक जो है पाकिस्तान की सेना यहाँ से जो है हाईवे जाता है, यानी श्रीनगर से लेह तक एक हाईवे जाता है जिसका नाम है NH1D, यानी NH1D एक हाईवे जाता है। इसमें पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, जो सप्लाई देने के लिए होता है, जो बम, बारूद, गोला, ये सब सप्लाई देने के लिए होता है। यह भी जो है भारत का ब्लॉकेज हो चुका था क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस पर कब्जा कर चुकी थी। क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है इस पर कब्जा कर चुकी थी, जब भारत को इसके बारे में पता चलता है, तो भारत जो है 21 मई को भारतीय सेना अटैक करती है, यानी कारगिल में जो है भारत की सेना अटैक करती है। और लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद जो है चार जुलाई को भारतीय सेना जो है जितने भी बड़े हिल्स थे, जैसे टाइगर हिल हो गया, टेंगोन हिल हो गया, इस पर भारत की सेना का कब्जा हो जाता है। यानी भारत की सेना जो है 40 दिन के युद्ध के बाद से बड़ी परिश्रम से जो है उसे जीत लेती है, यानी जो है जितने भी बड़े बड़े हिल्स थे उस पर कब्जा कर लेती है। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नवाज शरीफ चले जाते हैं अमेरिका के पास, अमेरिका से मदद मांगने के लिए चल जाते हैं। अमेरिका के जो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं जिसका नाम होता है बिल चर्स्टन, लेकिन बिल चर्स्टन इनका मदद नहीं करते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मदद नहीं करते हैं। उसके बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है अपनी सेना को जो है कारगिल से वापस बुला लेते हैं। जब अपनी सेना को कारगिल से वापस बुलाते हैं, इसलिए 26 जुलाई को इंडिया में कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इस दिन को हम लोगों ने जीत लिया था, इसलिए इसे कारगिल दिवस के रूप में भी माना जाता है। यानी 26 जुलाई को
कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी भारत में कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि इसमें जो भारत के 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, यानी 4 जो वीर जवान होते हैं भारत के, उनको जो है परमाणु जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। जो 4 व्यक्ति कौन होते हैं तो इसे देख लेते हैं, तो 4 व्यक्ति होते हैं। एक का नाम होता है मनोज कुमार पांडे, यानी मनोज कुमार पांडे, मनोज कुमार पांडे को दिया जाता है। विक्रम भत्रा को दिया जाता है, विक्रम भत्रा को दिया जाता है, विक्रम भत्रा को दिया जाता है। संजय कुमार को दिया जाता है, संजय कुमार को दिया जाता है। और जो है योगेंद्र सिंह को दिया जाता है, योगेंद्र सिंह को दिया जाता है। जो विक्रम भत्रा का एक प्रसिद्ध नारा था जिनका आपने सुना होगा, जो ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे, ये दिल मांगे मोर, इनका एक प्रसिद्ध नारा था ये दिल मांगे मोर। योगेंद्र सिंह को जो दिया गया था, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसमें जो है भारत के बफोर्स तोप और इसराइल ने भी भारत का साथ दिया था, यानी भारत के बफोर्स तोप ने भी साथ दिया था, यानी बफोर्स तोप काफ़ी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। यानी बफोर्स तोप जो बफोर्स घोटाला हुआ था, आपने सुना होगा बफोर्स घोटाला, यानी बफोर्स तोप ने जो है इसमें भारत का काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और इसराइल ने भी भारत का साथ दिया था, इसराइल ने भी भारत का साथ दिया था इसमें, और पूरी दुनिया इसमें जो है भारत की साथ दी थी, यानी भारत के साथ खड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ही ये एक्शन लिया गया था। इसमें भारत का जो है बफोर्स तोप और इसराइल ने भी जो है भारत का अहम भूमिका निभाई भारत के जो है कारगिल की लड़ाई में। उसके बाद से इसके बाद से क्या होता है कि पाकिस्तान में जो है भारत में जो है 1999 में चुनाव होता है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को 303 सीट से जीत मिल जाती है, यानी भारत को अटल बिहारी वाजपेयी को 303 सीट से जीत मिलती है। जबकि पाकिस्तान में क्या होता था, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख होते हैं परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट कर देते हैं, नवाज शरीफ को पद से हटा देते हैं, नवाज शरीफ को सत्ता से हटा देते हैं और खुद शासन करने लगते हैं, यानी पाकिस्तान में जो है तख्ता पलट हो जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ कहते हैं कि हमको इस युद्ध के बारे में, यानी कारगिल युद्ध के बारे में हमको पता ही नहीं था, सारा काम परवेज मुशर्रफ का था, परवेज मुशर्रफ ने ही सारा प्लानिंग किया है, सब सारा काम जो है परवेज मुशर्रफ ने किया है। और इसमें बाद में पाकिस्तान ने माना नहीं कि हमारा सैनिक है, उनका कहना था कि ये जो है यह फ्रीडम फाइटर है जो देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बाद में पाकिस्तान के नवाज शरीफ कहते हैं कि जो है ये पाकिस्तान की सेना थी और लगभग पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए हैं, यह खुलासा करते